नहीं एवरी वन, वेलकम टू टुडेज क्लास. आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल. अच्छा एक बार फटाफट से मेरे को प्लीज़ बता दीजिए इफ द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू एवरी वन. कोई लैग तो नहीं आ रहा है? सो आज का जो क्लास है दिस इज चैप्टर नंबर 8 एज पर द लक्ष्मीकांत बुक. बट ओवरऑल इस सीरीज में जो हम लोगों का ये सेशन चलेगा दिस इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज अपेरेंटली द 10th सेशन दैट वी आर हैविंग. ठीक है, तो हम लोग जहाँ पे जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू इंडियन इंडियन पपेट्री. किस तरीके से पपेट्री एज अ फॉर्म स्टार्ट हुआ, क्या क्या प्रोमिनेंट फीचर्स थे उसके, वो सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे. किसी का कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आ रहा होगा, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल हेल्प यू विद द सेम. ठीक है, ऑडियो वीडियो आई थिंक सब लोगों को क्लियर आ रहा है, ऑल द कॉमेंट्स आर ऑल्सो विजिबल. चलिए ऑन दैट नोट स्टार्टिंग विद द क्लास. सो आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स टेक अ क्विक लुक ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग वुड बी अबाउट अ बेसिक इंट्रोडक्शन, होता क्या है पपेट्री, किस तरीके से इट फंक्शंस. ठीक है, सेकेंड थिंग जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द सेशन दैट वुड बी अबाउट द हिस्ट्री विच इज़ एसोसिएटेड विद पपेट्री, कि भाई ये एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, ये एज अ फॉर्म ऑफ बेसिक ड्रामा, और कहाँ पर लोगों को एंटरटेन करती थी टू हेल्प दैम रिलैक्स आफ्टर अ होल लॉन्ग डे, कहाँ से स्टार्ट हुई. उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पपेट्री, इंडिया में कौन से टाइप्स के पपेट्री हैं एंड विच आर द फेमस और द इम्पॉर्टेंट वंस. ठीक है, किसी का कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, कोई पार्ट जो नहीं समझ आया हुआ एट एनी पार्ट, प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू विद द सेम. हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन. हेलो शुभम, गुड इवनिंग दीपेश, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल. ऑन दैट नोट स्टार्टिंग विद द क्लास. हेलो शॉ, हेलो अर्पित, क्षितिज, रश्मि, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. चलिए ऑन दैट नोट स्टार्टिंग विद द क्लास. उसके अलावा वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस ऑल्सो, तो लास्ट में वंस वी आर डन विद ऑल दीज पार्ट हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब अगर मैं बिफोर आई बिगिन जस्ट अ क्विक क्विक रिमाइंडर अबाउट द बुक सेट जो स्पेसिफिकली क्यूरेट किया गया है बाय द यूपीएससी एक्सपर्ट्स. यहाँ पे हम लोगों ने INR 10 के का एक बुक सेट एक क्यूरेट करा है यूपीएससी एक्सपर्ट्स ने, जहाँ पे 20 बुक्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. 28 अप्रैल तक हमने इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है, वेर इन हम लोग 100% सिलेबस को कवर करवाएंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको इसमें इंक्लूड करेंगे और अपडेटेड करंट अफेयर्स देंगे. ठीक है, साथ ही साथ में हम लोग बिकॉज वी नो समटाइम्स अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स से दैट द फीस इज अ लॉट एंड वी कैन नॉट गो फॉर द 1 या 2 ईयर प्रोग्राम्स, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी आर स्टार्टिंग विद अ लोन फॉर यूपीएससी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दिए हुए लिंक पे, जहाँ पे आप कोड यूज़ कर सकते हैं SHIVGLIVE. इस कोड को यूज़ करके आप लोगों को जो भी EMIs होती हैं, किस तरीके से ऑल द पोर्शन विल बी वर्किंग, वहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, चलिए ऑन दैट नोट स्टार्टिंग विद द क्लास. अगर हम लोग कभी भी बात करें पपेट्री की, पपेट्री एज अ फॉर्म क्या होता है, पहला ही तो ये चीज़ जानते हैं कि पपेट्री होता क्या है. सेकेंड थिंग, क्यों ये स्पेसिफिकली इन एंशियंट इंडिया और इन द मिडिवल पार्ट ऑफ इंडिया क्यों ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट था या फेमस था. ठीक है, सो पपेट्री एक इनानिमेट ऑब्जेक्ट होता है. इनानिमेट ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें कोई भी जान नहीं है, विच इज़ लाइक अ कार्टूनिश कैरेक्टर, जो कि ऑफन ह्यूमन्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, नाउ दैट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग और रिजेंबलिंग एनी ह्यूमन और एन एनिमल, हमको एक चीज़ पता लगती है ये किन एरियाज पे होगा. या तो ये किसी ना किसी सोशल इशू पे बनाया जाएगा, ये जो स्टोरीज डिपिक्ट करेगा किसी सोशल इशू पे होंगी. ठीक है, या फिर किसी रिलीजियस इशू पे, यहाँ पे जो स्टोरीज हैं उस रिलीजियस इशू पे ये स्टोरीज को कवर किया जाएगा. ठीक है, ये दो एरियाज होते हैं विच विल बी अ पार्ट ऑफ पपेट्री ऑलवेज. ठीक है, एब्सोल्युटली. तो हम ये बोल सकते हैं जो कार्टून्स होते हैं वो इसी से इंस्पायर्ड होते हैं. इनिशियली जो हम लोगों की पपेट्री होती थी दैट वॉज काइंड ऑफ द बैकग्राउंड बिहाइंड द कार्टून्स. ठीक है, लो कॉस्ट परफॉर्मेंस होता है, इसी की वजह से फ्री डांस आर्टिस्ट इसको आराम से कर सकते हैं. लो कॉस्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, कई बार आप लोगों को प्रॉपर सेटअप की भी जरूरत नहीं होती, जैसे सॉक पपेट्री होते हैं जहाँ पे आप हाथ पे ही सॉक्स के ऊपर कैरिकेचर्स और डिजाइन बना सकते हो और अपने मुंह से यू कैन चेंज द डायलॉग्स एंड गेट इन टू दैट लाइक अ मिमिक्री आर्ट फॉर्म. ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम दी जाती है जो भी आर्टिसंस होते हैं, जो भी डिज़ाइनर्स होते हैं, उनको, जो भी आर्टिस्ट होते हैं, कि आप डिज़ाइन को फॉर्म में, कलर में, मूवमेंट में अपने हिसाब से कीजिए. आपको कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे. ठीक है, सिंस देर आर नो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स दैट नीड टू बी फॉलो, नो रिजिड लाइन्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा था संस्कृत थिएटर में. ठीक है, नो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड रिजिड लाइन्स हेल्प्स की फ्रीलांसिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है. कलर, मूवमेंट, टेक्निक, जो भी थॉट प्रोसेस है वो अपने हिसाब से यहाँ पे फ्लो करता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, एनीथिंग किसी का भी, प्लीज एक बार यहाँ तक बता दीजिए, आई विल हेल्प यू विद द सेम. बेसिक क्लियर हो गया ना सबका? परफेक्ट, परफेक्ट. चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट. अगर हम बात करें हिस्ट्री एसोसिएटेड विद पपेट्री, ये तो हमने जान लिया कि पपेट्री भाई होती क्या है, कहाँ से ये एज अ फॉर्म स्टार्ट होने लगा. पपेट्री के साथ एक चीज़ जान लो, पपेट्री एब्सोल्युटली इंडिजिनस है, एब्सोल्युटली इंडियन ओरिजिन की है. इसमें कहीं भी बाहर का पर्जियंस का, अरब्स का, रोमन्स का कोई भी इसमें रोल नहीं है. सो इट इज़ एब्सोल्युटली ऑफ इंडियन ओरिजिन. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ दोज पार्ट्स जहाँ पे एब्सोल्युटली हिंदुस्तान की ही देन है ये पपेट्री टू द वर्ल्ड. ठीक है,
नहीं, इसको क्लासिक आर्ट बिल्कुल भी नहीं माना जाता सुमित. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म दैट वी हैव इन इंडिया, बट नो वेयर इट इज कॉल्ड एज क्लासिकल आर्ट. ठीक है. हेलो विनीता, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. सो कमिंग टू द पार्ट ऑफ इट, अब अगर हम लोग बात करें कि हाउ पपेट्री स्टार्टेड या कौन से पोर्शंस में हम लोग डिस्कस करते हैं या क्या होता है इसमें. सबसे पहले जो हम लोगों को पपेट्री का बना कुछ भी हमको पता लगा कि पपेट्री जैसा कुछ एग्जिट करता है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिला, जहाँ पे टेराकोटा फिगर्स थे. अब इन टेराकोटा फिगर्स की एक खास बात ये थी कि इसमें पीछे सॉकेट लगाया जाता था. सॉकेट का मतलब यहाँ पे अपेरेंटली ये लोग उस सॉकेट से धागा या कोई ना कोई स्ट्रिंग अटैच कर सकते थे जिसको ये लोग मूव करते थे, और उसके तहत वॉट एवर द सोसाइटल सिचुएशन है, सोशल इशूज आर, जो भी इनके टेक्स्ट होते थे उस पर ये लोग कोई ना कोई प्ले करते थे. ठीक है, ये हो गया जो हम लोगों को एक्चुअली लाइव रेफरेंस मिला है, जिसके थ्रू थ्रू द एक्सकेवेशन हमको पता लगा कि अच्छा हरप्पन सिविलाइजेशन में भी ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था. ओल्डेस्ट रेफरेंस जो लिखा हुआ टेक्स्ट हमको कहीं पे मिला है, लिटरेरी सोर्स जो कहीं पे मिला है, वो तमिल क्लासिक है एक सिलापदिकम पडिकरम के नाम से. वहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी BC के अराउंड पहली बार पपेट्री का मेंशन हुआ है. तो हमको इन दोनों चीज़ों से ये पता लगता है कि पपेट्री एंशियंट टाइम्स से कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी और इंडिया में इसको कितना ज़्यादा आप बोल सकते हो चेरिश और रेवेयर किया जाता था. ठीक है, आई वुड नॉट से एक्सटिंक्ट, बट इट इज़ ऑन द पार्ट ऑफ गेटिंग लाइक यू नो, ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, एक्सटिंक्ट की तरफ जा रही है, एक्सटिंक्ट हुई नहीं है बट इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स एक्सटिंक्शन. ठीक है, देन कम्स थेरी गाथा. थेरी गाथा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट ट्रिएटाइज, जहाँ पे पपेट्री को एज अ थिएटर रेफरेंस किया गया है. एंड उसके पोस्ट सबसे दिक्कत बड़ा काम जो आया, क्यों सबसे बड़ी दिक्कत आई कि भाई क्यों पपेट्री स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, क्योंकि डिवोटेड ऑडियंस नहीं थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी. क्यों डिवोटेड ऑडियंस नहीं थी, क्योंकि इस टाइम पे हम लोगों के पास डांस आ गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंशियंट से लेके जब हम मिडिवल इंडिया में आए देन मॉडर्न इंडिया. ठीक है, डांस आ गया, ड्रामा आ गया, लोगों को उनमें ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि वहां पे वो लोग एक्चुअली लोगों को परफॉर्म करते देख पाते थे, डायलॉग सुन पाते थे, मूवीज आने लगी. ठीक है, थिएटर्स बनने लगे. थिएटर्स के बाद जैसे जैसे सिनेमा आने लगा, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज स्टीरियोटाइप्स, ये जितना भी पपेट्री एज एन आर्ट फॉर्म था दिस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. एंड अब तो नेटफ्लिक्स आ गया है, लाइक यू नो यू हैव अमेजॉन प्राइम एंड एवरीथिंग, YT आ गया है. एज अ रिजल्ट ऑफ सच थिंग्स पपेट्री, थिएटर्स, ये सारी चीज़ें जितने भी ओल्ड आर्ट फॉर्म्स हैं, एंशियंट आर्ट फॉर्म्स हैं, हैव स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. ठीक है, एंड येस शो थेरी गाथा इज अ बुक. ठीक है, तो थेरी गाथा बुक का नाम है विच वॉज अ बुद्धिस्ट ट्रिएटाइज, जहाँ पे पपेट्री का पहला मेंशन था. यहाँ तक सबको क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया यहाँ तक एक बार मुझे बता दो, आई हेल्प यू विद द सेम. एब्सोल्युटली राइट क्षितिज, इवन टेलीविजन. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट. चलिए, नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ पपेट्री. मेजर हम पपेट्री को चार तरीकों में डिवाइड करते हैं. ठीक है, चार कौन से तरीके होते हैं? एक होता है स्ट्रिंग पपेट, एक होता है शैडो पपेट, एक होता है ग्लव पपेट, एक होता है रॉड पपेट. ठीक है, ये चार मेजर डाइवर्सिफिकेशन होते हैं, और फिर हर एक एक पपेट टाइप का उसके अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग पपेट का मतलब नाम से ही पता लग रहा है आपको किस तरीके से, जहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब कोई ना कोई रस्सी या कोई ना कोई हम जिसको बोलते हैं ना थ्रेड को यूज़ किया जाएगा या स्ट्रिंग को यूज़ किया जाएगा फॉर पपेट्री. तो सॉकेट्स लगाए जाते हैं इन पपेट्स के पीछे, और वहाँ पे होल्स बनाए जाते हैं इनकी बॉडी में, जहाँ पे स्ट्रिंग्स को अटैच किया जाता है और इस थ्रेड को कंट्रोल करता है पपेटिया. यहाँ पे ऑयल कलर्स का यूज़ होता है, और ये जो पपेट्स होते हैं यूजली वुड के बनाए जाते हैं, जिसको ऑयल कलर से पेंट किया जाता है. वुड के क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वुड में ये लोग छोटे छोटे छेद करके पीछे स्ट्रिंग लगा पाएं, और जो जॉइंट्स के मूवमेंट है वहाँ पे हाथ पैर इस तरीके से लाइक रोबोटिक मूवमेंट करा पाएं. ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे शैडो पपेट होता है. शैडो पपेट में फ्लैट फिगर्स को कट किया जाता है, जो कि लेदर के बनाए जाते हैं, और इनको आइडेंटिकली या सेम कलर में पेंट किया जाता है, काला रंग लाइक डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू कलर्स ऑन बोथ द साइड. यहाँ पे एक वाइट स्क्रीन लगाई जाती है और उसके पीछे से लाइट गिर रही होती है, जहाँ पे ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं, जो लाइट है दैट इज फॉलिंग फ्रॉम बिहाइंड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू कैन सी द मूवमेंट. तो जैसे बच्चों को हम बचपन में सिखाते हैं ना कि लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट हम लोग कैंगरू फेसेस, इस टाइप के फेसेस बनाते हैं ऑन द वॉल सो दैट दे कैन लर्न द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, सेम तरीके से सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे शैडो पपेट्री में यूज करते हैं. ठीक है, एब्सोल्युटली राइट. होता है स्ट्रिंग पपेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स. ग्लव पपेट्री होती है, जहाँ पे पाम पपेट्स बनाए जाते हैं वुड के या क्लॉथ के. यूजली लोग इसको अपने हाथ के ऊपर पहनते हैं और अपने फिंगर्स के मूवमेंट से मैनिपुलेट करते हैं, जहाँ पे थंब हो गया, मिडिल फिंगर हो गई, वहाँ से एक्सप्रेशंस देते हैं, और जो डायलॉग्स होते हैं वो अपने मुंह से बोलते हैं. ठीक है, लास्ट में आती है रॉड पपेट्री. रॉड पपेट्री मतलब ये इंडिया के सबसे बड़े जो पपेट्स होते हैं वो होते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है, और यहाँ पे रॉड्स को जोड़ा जाता है पपेटिया के साथ, जो कि फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीन उस रॉड के थ्रू कंट्रोल कर रहा होता है पूरे मूवमेंट को. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो इन चारों में समझ नहीं आया किसी को एक बार मुझे बता दो, आई हेल्प यू विद द सेम.
आहुति आई विल डू दैट टुडे, इट विल बी डन बाय टुडे. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट. चलिए मूविंग अहेड. अब स्ट्रिंग पपेट्स कौन से होते हैं हिंदुस्तान में, एक बार उसकी बात कर लेते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, अगर हम बात करें कठपुतली की, कठपुतली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फिंगर पपेट्स को हम ग्लव पपेट ही बोलते हैं अर्पित, एक ही बात होती है वो, सेम चीज़, क्योंकि ग्लव पपेट में फिंगर का मूवमेंट ही होता है ना, तो दैट इज द सेम थिंग. ठीक है, कमिंग टू कठपुतली, कठपुतली ट्रेडिशन है राजस्थान का, जहाँ पे म्यूजिक को अकंपनी किया जाता है साथ में. और सेकेंड चीज़, यहाँ पे लेग्स नहीं होते पपेट के, तो पपेट को इस तरीके से बनाया जाता है कि एक लंबी सी स्कर्ट पहना दी गई है, और उस स्कर्ट में, क्योंकि एवरीथिंग इज कवर्ड, पैर नहीं होंगे, स्ट्रिंग्स को पीछे से जोड़ा जाएगा और कंटिन्यूसली म्यूजिक बजता रहता है साथ में. ठीक है, उसके बाद आती है कुंडी. कुंडी एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उड़ीसा की, या स्ट्रिंग पपेट्री है उड़ीसा की, जहाँ पे पपेट्स के पास जॉइंट्स होते हैं. अगर पपेट्स के पास जॉइंट्स बनाने हैं, मतलब आपको इस पपेट को कार्व करना होगा वुड से, तो द पपेट्स आर कार्व्ड आउट ऑफ वुड. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फोकस किया जाता है कि इन पपेट्स का हाथ और जॉइंट मूवमेंट है लाइक अ रोबोट हो. ठीक है, लाइक या एनिमेटेड जो टॉयज होते हैं उसकी तरह हो. कठपुतली में फ़र्क क्या होता है, ये यूजली कपड़े की बनाई जाती है, जिसमें अंदर कॉटन या कुछ ऐसा स्टफ करेंगे ये लोग, और फिर उसमें मूवमेंट किया जाता है. ठीक है, देन आता है गोम्बेट्टा. गोम्बेट्टा जो होता है, ये नाम और जगह याद कर लो वो जरूरी है शो. ठीक है, गोम्बेट्टा होता है ट्रेडिशन कर्नाटका का, जो कि यक्षगण पे स्टाइल है. तो यक्षगण जैसा डांस होता है ना, यक्ष यक्ष यक्षिणी वाला, वहां पे इंश्योर किया जाता है कि गोम्बेट्टा उसका आप बोल सकते हो लाइक सक्सेसर था. ठीक है, नहीं, मेल कठपुतली में भी व्हाट दे डू शो, ये वो ना पूरा कवर कर देते हैं ऊपर से नीचे तक, बिकॉज जैसे राजस्थान के साथ एक प्रोमिनेंट पार्ट होता है, ब्राइट कलर्स होते हैं. और फॉर गाइज व्हाट दे विल डू इज कि जैसे पगड़ी पहना दी, मूछें बना दी, उस तरीके से पता लग जाएगा. ठीक है, ब्राइट कलर्स, रोब्स और ये सब यूज किए जाते हैं. तो जो ओवरऑल कॉस्ट्यूम होता है वहाँ पे, क्योंकि पैर नहीं दिखाने, तो जो उन लोगों के फुल कवर्ड क्लोथ्स होते हैं ना, वो दिखा देंगे. ठीक है, लास्ट आता है बोमलट्टम इन स्ट्रिंग पपेट्री. बोमलट्टम इज इंडिजिनियस टू तमिलनाडु, और जहाँ पे जो पपेट्स होते हैं देर अपेरेंटली द हैवीएस्ट इन इंडिया. तो यहाँ पे जो पपेट्स होते हैं ना, काफ़ी बड़े साइज के होते हैं, काफ़ी भारी पपेट्स होते हैं, और इन पपेट्स को मतलब बहुत मुश्किल से स्ट्रिंग्स के थ्रू चलाया जाता है. यहाँ तक सबको क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन? एंड नाउ, बिकॉज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि ये हैवीएस्ट पपेट्स होते हैं इंडिया के, इसलिए एक से ज़्यादा, मोर देन वन पपेटियर इज रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट देम और टू यू नो यूज लाइक मेक देम वर्क. ठीक है, सो मोर देन वन पपेटियर विल बी रनिंग द एंटायर शो. बाकियों में एक एक दो दो पपेटियर्स जो होते हैं दे मैनेज. ठीक है, परफेक्ट. उसके बाद शाडो पपेट्स की अगर हम बात करें, शाडो पपेट्स में सबसे पहला आता है टोगालू बोम्बेट्टा, जो कि कर्नाटका में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है. और यहाँ पे की फीचर होता है जो साइज ऑफ पपेट होता है बेस्ड होता है सोशल स्टेटस पे. सो मतलब अगर ये लोग कोई स्टोरी बता रहे हैं जहाँ पे देर इज अ किंग, देर इज अ मिनिस्टर एंड देर इज अ स्लेव, ठीक है, तो जो पपेट का साइज होगा इसी ऑर्डर में वेरीफाई करेगा या इसी ऑर्डर में चेंज होता रहेगा. टॉप टू बॉटम अप्रोच रखेंगे, किंग का सबसे बड़ा, ठीक है, द बिगेस्ट पपेट, उससे छोटा होगा मिनिस्टर का, और सबसे छोटा होगा स्लेव का. सो दिस वुड बी द साइज ऑफ द पपेट्स. इट्स दैट सिंपल दैट यू नीड टू फॉलो. ठीक है, सो एब्सोल्युटली राइट निखिल, द काइंड ऑफ पपेट्री दैट इज मेंशनड इन सिलापटिकरम दैट कुड बी बोमलट्टम, वी के नॉट लाइक इंश्योर फ्रॉम आर एंड वही है या नहीं. एग्जैक्टली अर्पित, मोर देन वन पपेटियर फॉर वन पपेट, क्योंकि जैसे यूजली क्या होता है, एक पपेट को हम लोग हाथ से पकड़ के चला सकते हैं छोटे में, बट साइज अगर बड़ा है तो फिंगर्स में इतनी जान नहीं होती कि आप 2-3 किलो का पपेट ना स्ट्रिंग से ऑपरेट कर रहे हो, इसलिए ज्यादा लोगों की जरूरत होती है. ठीक है, कमिंग टू द पार्ट ऑफ दिस, यहाँ पे टुगालू बोम्बेट्टा में जो किंग होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, साइज वाइज जाएगा. तो सिमिलरली अगर ये लोग किसी भी सोशल इशू पे या रिलीजियस इशू पे बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जितना बड़ा जो ओहदे में है, सोशल स्टेटस जिसका जितना बड़ा है, उसको उतना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा साइज में, बाकियों के साइजेस छोटे रहेंगे. ठीक है, समबडी श्वेता, जो क्लास का टाइम होगा ना मॉडर्न हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री वाली, वील हैव इट एट 2 PM एवरी डे, जो रोज होता है. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. इसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं देवेश, मैं एक बार शेयर कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. आई बी शेयरिंग, विल बी डूइंग अ फ्यू एमसीक्यूज आल्सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन. तो एक बार सारे पपेट्री खत्म हो जाने दो, मैं एमसीक्यूज करवा दूंगी. ठीक है, सेकंड आता है रावण छाया. रावण छाया स्पेसिफिकली उड़ीसा में प्रोमिनेंट है, जहाँ पे जो पपेट्स होते हैं डियर स्किन के बनाए जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा बोल्ड पोस्चर्स को डिपेक्ट करते हैं. ठीक है, सुमित, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स इज जब हम बात करते हैं आर्ट की ना, साउथ इंडियन आर्ट हैज बीन प्रिजर्व्ड वेल. कॉन्सेंट्रेटेड मैं नहीं बोलूंगी, आप नॉर्थ में भी स्ट्रक्चर्स देखो, वी हैव अ लॉट ऑफ मॉन्यूमेंट्स, वी हैव अ लॉट ऑफ टूम्स, बट साउथ इंडियन आर्किटेक्चर जो है ना, बिकॉज वहाँ पे इन्वेजन कंपेरेटिवली कम हुए, डिस्ट्रक्शन कम हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट साउथ इंडियन आर्किटेक्चर जो है उसको कंपेरेटिवली संभाल के रखा गया है. ठीक है, रावण छाया में इंश्योर किया जाता है कि जहाँ पे
एंटायर जो पपेट्री होती है ना उसमें ये लोग डियर स्किन को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे जो डिपिक्शन होता है उड़ीसा में, वहाँ पे बोल्ड कैरेक्टर्स पे, बोल्ड थीम्स पे फोकस किया जाता है। देन कम्स थोलू बोमलट्टा जो कि आंध्र प्रदेश में फेमस है, विच इज़ बेस्ड ऑन माइथोलॉजी अकम्पनीड बाई म्यूजिक। माइथोलॉजी का मतलब बोमलट्टा और थोलू बोमलट्टा में फ़र्क ये है, जो बोमलट्टा है यहाँ पे ये लोग माइथोलॉजी पे फोकस करेंगे, महाभारत और रामायण की जो कहानियाँ हैं उस पे फोकस करेंगे, ठीक है। जो बोमलट्टम एक्चुअली में होता है वहाँ पे तमिलनाडु में 4 से 4.5 फीट के पपेट होते हैं जिनका वेट 10-10 किलो होता है, लेकिन क्योंकि ये शैडो पपेट्री है, शैडो पपेट्री का मतलब सिर्फ एक पपेट्री पे ये लोग कलर या कुछ भी पेंट कर देंगे एंड उसी को फोकस करेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे साइज के पपेट्स होते हैं और इन पपेट्स को दोनों तरफ से कलर किया जाता है एंड दे आर वेरी कलरफुल। तो एक थोमलू बोमलट्टा का फेमस पार्ट है कि ये बहुत कलरफुल होते हैं, इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर कैरेक्टरिस्टिक ये है। बाकी शैडो पपेट्स में हमेशा जो कलर किया जाता है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी वेरी लाइट, दैट इज ऑलवेज द डार्क कलर और सेम कलर एक ही साइड पे होगा। क्लियर डाउट मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई पार्ट जो यहाँ तक नहीं समझ आया एक बार मुझसे पूछ लो, क्लियर ना? परफेक्ट परफेक्ट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, फिर आते हैं ग्लव पपेट्स पे। ग्लव पपेट्स जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पपेट इसमें से आता है पावाकूथू। पावाकूथू जो पपेट होता है दैट इज ट्रेडिशनली इन केरला, जहाँ पे आप जैसे इमेज में देख सकते हो, ठीक है। जो पपेट यहाँ पे होता है दैट ओरिजिनेटेड इन 18th सेंचुरी AD, और यहाँ पे पपेट्स को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता है, कलरफुल हेडगियर देते हैं, फेदर्स देते हैं, फेस पेंट्स देते हैं, और जो थीम्स होते हैं वो महाभारत और रामायण पे होती हैं। तो जैसे कथकली डांस फॉर्म होता है, पावाकुथु को आप बोल सकते हो लाइक अ मिनी मिनिएचर वर्जन ऑफ कथकली, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोरीज बताई जाएंगी सारी की सारी स्टोरीज रामायण और महाभारत के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पपेट्स कम इन द फॉर्म ऑफ रॉड पपेट्स, जहाँ पे यमपुरी और पुतुल नाच आता है, ठीक है। यमपुरी जो एज अ पपेट्री है वो बिहार में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जहाँ पे पपेट्स को आउट ऑफ वुड बनाया जाता है जिनके जॉइंट्स नहीं होते। जॉइंट्स क्यों नहीं होते यहाँ पे, इन जॉइंट्स की जगह यहाँ पे पीछे रॉड लगा दी जाती है जिसको एक आध पपेट ये रन कर रहा होता है, ठीक है। इसको एक ही पीस ऑफ वुड से बनाया जाता है और अलग अलग कलर्स में इनको ड्रेसअप किया जाता है एंड ब्राइट कलर्स इस पर इनको पहनाए जाते हैं, ठीक है। बी एस कमिंग टू योर पार्ट, येस आई विल बी कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। आई एक्चुअली हैव कवर्ड अ मेजर चांक, इकोनॉमिक्स, एंशियंट इंडिया, मिडीवल मॉडर्न इंडिया, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ऑलरेडी सब कुछ हो रखा है। वी आर डूइंग मिडीवल इंडिया नाउ, 2 बजे रोज क्लास होती है, बी अ पार्ट ऑफ इट। आई शेयर द लिंक ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। कमिंग टू योर पार्ट निखिल, जब हम बात करते हैं कलर्स की ना, क्यों डार्क कलर्स को यूज़ किया जाता है शैडो पपेट्री में, ताकि रिफ्लेक्शन आए। सफ़ेद स्क्रीन पे लाइट डालोगे तो रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? इंश्योर किया जाता है कि काले रंग का या ब्लू रंग का ग्लव हो जो कि सेम तरीके से पेंटेड है एंड देन वो लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है, ताकि जो भी फीचर वो दिखाना चाहते हैं, जो भी फॉर्म या जो भी शक्ल दिखाना चाहते हैं दैट कैन बी सीन, ठीक है। एंड एब्सोल्युटली जेडेड सो दैट दिस, ताकि ये लोग बैकग्राउंड में कंट्रोल कर पाएं, इसीलिए इनको एक ही सिंगल पीस ऑफ वुड से बनाया जाता है। कमिंग टू पुतुल नाच, सुमित विल शेयर टेलीग्राम का लिंक ना मैं आफ्टर द सेशन नीचे कमेंट्स में शेयर कर दूंगी, तो आपको वहां से पता लग जाएगा। देन कम्स पुतुल नाच। पुतुल नाच होता है पपेट फ्रॉम बंगाल, उड़ीसा एंड असम रीजन, जहाँ पे 3 से 4 फिट टॉल पपेट्स होते हैं, वन ऑफ द टॉलेस्ट इन इंडिया, ओनली नेक्स्ट टू द बोमलट्टम, ठीक है, जिनको जत्रा के परफॉर्मेंसेज पे या जत्रा के जो कैरेक्टर्स होते हैं उस पे लेकर आया जाता है। यहाँ पे म्यूजिकल ट्रूप होता है, पपेटियर्स बिहाइंड द कर्टन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। कौन से म्यूजिक यहाँ पे प्ले होता है? यूजली सिंबल्स प्ले हो रहे होते हैं, विच इज ड्रम्स, तबला प्ले हो रहा होता है, हारमोनियम प्ले हो रहा होता है, और यहां पे हमेशा इंश्योर किया जाता है जो जतरा फेस्टिवल होता है ना उड़ीसा में उस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। एब्सोल्युटली अर्पित, पपेट्री की पपेट की शैडो नहीं होती, पपेट्री या पपेट की शैडो भी आप बोल सकते हो उसमें यूज होती है, जो आप शैडो पपेट्री की बात बोल रहे हो, ठीक है। यहां तक क्लियर डाउट मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया किसी को एक बार बता दो, आई हेल्प यू विद द सेम। और यहाँ पे जो थीम्स होती हैं, अगेन जो कैरेक्टर्स ऑफ जत्रा होते हैं, ये इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो भी पुरानी स्टोरीज थी उस पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। कोई पपेट्री या कोई पार्ट जो नहीं समझ आया किसी का, लेट मी नो, आई हेल्प यू क्विकली क्विकली टेल मी। हाँ, बोमलट्टम जो थोलू बोमलट्टम है ना, वो 2-in-1 वाला होता है विनीता, ठीक है, दैट इज 2-in-1, ठीक है। पुटुल का मतलब ही पपेट होता है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, येस पी एस चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, फर्स्ट चैप्टर के अलावा भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए, एटलीस्ट एक बार तो पढ़ लो, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट टू लीव द चैप्टर्स, बट एटलीस्ट वंस यू नीड टू गो थ्रू देम, ठीक है। मैं ये नहीं बोली सारे पढ़ो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर्किटेक्चर रिलीजन ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीज आर समथिंग दैट कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। मोर देन इनफ जितना इसने दिया है ना, जितने इस PDF में मैंने कवर करवाया ना जे जे, उतना पढ़ो, दैट इज मोर देन सफिशियंट, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इट इज़ एवरीथिंग इन इट, ठीक है। चलो गाइस कमिंग टू द क्वेश्चन,
लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. कुंडी पपेट्री आर्ट जो है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, किस रीजन को, किस स्टेट को बिलोंग करती है? जल्दी से बताइए. वी हैव उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला. अच्छा श्वेता, अगर इवन द पुटल वर्ड बंगाली में मतलब होता है डॉल, तो पपेट्स भी डॉल्स ही होते हैं, इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं. तो एनी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट दैट वी नो ऑफ इज अ डॉल. ठीक है, जल्दी से बताइए. वी ऑलरेडी हैव आंसर्स कमिंग टू दिस क्वेश्चन. क्षितिज एंड डीजे हैव आंसर वन. ओके, सुमित हैज आंसर उड़ीसा, विनीता हैज आंसर उड़ीसा, शॉ हैज आंसर ए, अनुष्का हैज आंसर वन, अर्पित हैज आंसर वन, राज हैज आंसर ए, निखिल हैज आंसर ए, शैलेंद्र हैज आंसर ए, सर्वेश, विकास, एवरीवन हैज आंसर ए. सो करेक्ट पार्ट इज इसका वन ओनली गाइज, उड़ीसा. एब्सोल्युटली राइट अजय रवि, उड़ीसा इज द करेक्ट वन. अभी हमने कुंडी आर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ा था पीछे, जो कुंडी पपेट्री होती है, दैट इज अ स्ट्रिंग पपेट्री जो कि उड़ीसा में फेमस है, एंड दैट इज स्पेसिफिकली डन जहाँ पे लॉन्गर स्कर्ट्स दी जाती हैं और जॉइंट्स बनाए जाते हैं, और लाइट वुड की बनाई होती है. ये सबको याद आ गया? ठीक है, सो लाइट वुड मोर जॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट फोकस होता है. ठीक है, क्लियर? एब्सोल्यूटली राइट, बिकॉज सिंपली पर उड़ीसा. ब्यूटिफुल, वंडरफुल. चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे द पुटुल नाच पोएट्री बिलोंग्स टू विच स्टेट इन इंडिया? ये तो अभी करा है, आँख बंद करके आई एम श्योर आप लोग बता देंगे. जल्दी से बताइए. वेस्ट बंगाल, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान में से पुटुल नाच जो है कहाँ पे आता है? जल्दी जल्दी. सो वी हैव आंसर्स कमिंग. दिव्येश हैज आंसर ए, सुमित हैज आंसर असम, बी एस हैज आंसर ए, दिव्येश हैज आंसर ए, अजय हैज आंसर वेस्ट बंगाल, श्वेता हैज आंसर वेस्ट बंगाल, क्षितिज, डीजे, विनीता, शॉ हैव आंसर ए, शैलेंद्र, एब्सोल्युटली राइट, आदिम, शैलेंद्र, अर्पित, वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट वन. तो तीन जगहों पे ये फेमस है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड असम, तीनों जगहों पे पुटल नाच जो पपेट्री है दैट इज परफॉर्म देयर. ठीक है, वी हैव जस्ट रेड अबाउट इट, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पपेट्स होते हैं और इन लोगों को 3 से 4 म्यूजिशियंस हेल्प करते हैं. वेस्ट के नीचे तक इनको हायर कर्टन के थ्रू छुपाया जाता है, स्कर्ट्स होती हैं, और हारमोनियम, तबला, सिंबल्स, ये सारे मेजर इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते हैं. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. एब्सोल्युटली राइट गाइस, फॉर ऑल दोस पीपल हु आंसर है, विकास, आलोक, दिव्येश, परफेक्ट परफेक्ट गाइस. चलिए अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वॉज यूज फॉर ब्रॉन्ज स्टैचूज ड्यूरिंग हरप्पन सिविलाइजेशन? तो ये हम लोगों ने जब ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पे यूज करी थी. तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सी टेक्निक को यूज किया जाता था फॉर एनी ऑफ द लॉस्ट, फॉर एनी ऑफ द ब्रॉन्ज स्टैचूज? एब्सोल्युटली राइट सुमित, लॉस्ट वैक्स इज द करेक्ट वन, आलोक हैज आंसर वन, विनीता हैज आंसर वन, एब्सोल्युटली शॉ हैज आंसर वन. करेक्ट गाइज, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग ये हमने करी है. फॉर दोज पीपल हु फॉरगॉटन, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग क्या होती है? एक सकोरा टाइप का बनाया जाता है जहाँ पे देव टेकन एन इंस्ट्रूमेंट या कोई सील का पूरा शेप एक पत्थर या किसी पे बनाएंगे, उसको वैक्स से कार्व किया जाता है, फिर वहाँ पे स्ट्रिंग्स को टाई किया जाता है और मोल्टेड जो मेटल होता है, गरम गरम मेटल को उस पर डाला जाता है. गरम मेटल की वजह से ये जो वैक्स है ये मेल्ट हो जाती है. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है दैट टेक्स द शेप, जिस भी शेप में उसको बनाया जाता है. ठीक है, एब्सोल्युटली आरो, 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है एंड इट हैज बीन मेंशन इन नितिन सिंघानिया एज वेल. कुछ किसी का कोई डाउट, मेरी क्वेश्चन कन्फ्यूजन, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया किसी को, एक बार प्लीज मुझे बता दो, आई हेल्प यू विद द सेम. परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव आंसर ए. ठीक है, चलो. सो गाइज, दिस वॉज द सेट ऑफ चैप्टर आई हैड फ्रॉम माई साइड, कल हम लोगों के क्लासेस का मैं एक बार टाइमिंग शेयर कर देती हूँ कि कल कौन से टाइम पे कौन से क्लासेस होने वाले हैं. पहला क्लास होगा 11:45 AM पे, YT पे ही होगा, जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स के MCQs डिस्कस करेंगे. उसके बाद वील हैव अ क्लास एट 1 PM जहाँ पे मैं मॉक टेस्ट लूंगी ऑन दी अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस. उसके बाद 2 बजे हम लोग मिडिवल हिस्ट्री करेंगे कल. ठीक है, सो मिडिवल हिस्ट्री होगा चैप्टर नंबर 5. उसके बाद 6 बजे वील हैव अनदर मॉक टेस्ट. ठीक है, एंड लास्ट जो क्लास होगा इतना ही है शॉर्ट, बिकॉज दिस इज द एंटायर चैप्टर. ठीक है, एंड शैलेंद्र, इसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इन दी टेलीग्राम इटसेल्फ. और लास्ट जो क्लास होगी वो हमारी 8 बजे होगी, आर्ट एंड कल्चर की, YT पे वापस से. सो दिस इज द होल लॉट फॉर टुडे दैट वी आर हैविंग. अच्छा, कुंडी में और पुटुल नाच में ये फर्क होता है निखिल. कुंडी इज स्ट्रिंग पपेट्री. ठीक है, कुंडी आर्ट जो होती है स्ट्रिंग पपेट्री होती है, और पुटुल नाच में वो लोग रॉड्स को यूज करते हैं. कुंडी आर्ट में स्ट्रिंग्स में जो पपेट होते हैं उसका साइज बहुत छोटा सा होता है, और पुटुल नाच में जो स्ट्रिंग साइज होता है ना वो बहुत बड़ा होता है. पुटुल नाच में 3-3 फीट के स्टैचूज भी होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रॉड पपेट्री में, बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं, साइज वाइज वेरी करता है. ठीक है, ऑन दैट रीजन गाइज आई बी टेकिंग योर लीव. बिफोर आई वाइंड अप, जस्ट अ क्विक क्विक रिमाइंडर, विनीता, वी आर डन विद द इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल इशूज जो कि मिडिवल हिस्ट्री में थे. कल हम लोग गजनवे डायनेस्टी करेंगे जो चैप्टर नंबर 5 है. ठीक है, मूविंग अहेड.
अच्छा, आई विल लुक इन टू विद सुमित अगर पॉसिबल हो पाएगा. बिफोर आई मूव अहेड, बिफोर आई वाइंड अप, जस्ट वन क्विक रिमाइंडर. अनअकैडमी का 18 अप्रैल को कॉम्बैट होगा. क्विज कोड है शिवजी लाइव. 60 क्वेश्चन 60 मिनट में. 4 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है फॉर टॉप 500 रैंकर्स. लिंक आपको नीचे कॉमेंट्स में और ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. श्वेता, आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच. अरे चैप्टर ही इतना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं कुछ, तो दैट इज मोर देन सफिशियंट ओवर हियर. एंड अन अकेडमी जो 28 अप्रैल तक एक मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर लाया लाया है, जहाँ पे 31 जुलाई हमारे जो भी बैचेस टाइट होंगे स्टार्ट होंगे टिल द 28 अप्रैल, दे विल बी वैलिड टिल द 31 जुलाई 2022 एंड 2023. GS आइकॉनिक कॉम्बो और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन. द कोड इज शिवजी लाइव. ठीक है, सो बिफोर आई वाइंड अप जस्ट रिमेंबर माई कोड शिवजी लाइव. सारे स्पेशल क्लासेस कोड्स एवरीवेयर यू कैन यूज दिस. एंड निखिल, आई एम स्टार्टिंग, आई एम कवरिंग इट फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक सतीश चंद्रा, जो 12th 11th वाली NCERT है ना, मोर देन सफिशियंट है वो मिडिवल इंडिया के लिए. कमिंग टू योर पार्ट, जब हम लोग किसका नाम था, ओके, हर्षवर्धन, किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर की स्ट्रैटेजी लेनी है ना, वो मैं छोटा सा अलग से सेशन ले लूँगी वंस आई एम डन विद आर्ट एंड कल्चर पूरा का पूरा. ठीक है, कल 8th चैप्टर जो भी अर्पित, वील बी डिस्कसिंग दैट चैप्टर. मेरे को चैप्टर ऐसा सच याद नहीं आ रहा. आई थिंक वी हैव यूनेस्कोज इंडियन सर्कस है या यूनेस्कोज इंटेंजिबल लिस्ट, इन दोनों में से कोई एक है. ठीक है, 2 PM वाली क्लास में मिडिवल हिस्ट्री में वील बी हैविंग गजनबीज. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरी वन, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल नाइट अहेड, प्लीज रेस्ट वेल, कल मिलते हैं.